हेलो हाय एवरीवन। सो गाइस, आज हम बात करेंगे कॉन्सेप्ट के ऊपर। ये बेसिकली कॉन्सेप्ट रहेगा व्हाट्सएप ऑटो सेंडर। सो बेसिकली इस मॉड्यूल के थ्रू आप अपने व्हाट्सएप पर कैंपेन अलाइन कर सकते हैं, इन लाइक शेड्यूलिंग भी कर सकते हैं और चाहे तो इंस्टेंटली मैसेज भी भेज सकते हैं। सो बेसिकली ये एक रिस्पॉन्सिव प्रोडक्ट है, लाइक ये किसी भी डिवाइस में ओपन हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू द डिवाइस अपने आप को रिसाइज कर लेगा। सो बेसिकली इसके क्या क्या फीचर्स हैं हम एक बार प्रैक्टिकल करके देखते हैं। बेसिकली सो मैं जस्ट एडमिन के एक्सेस राइट के साथ लॉग इन कर रहा हूँ अभी। सो आप देख पाएंगे अगर मैं बिंग एडमिन लॉग इन करता हूँ तो मुझे क्या क्या एक्सेस राइट्स मिलते हैं या क्या क्या मुझे इसमें फीचर्स मिलते हैं। सो गाइज, ये एक इंटरफेस हमारा ओपन हो गया। ये जो इंटरफेस आप देख रहे हैं, इस इंटरफेस के थ्रू हम अपना जो टेम्पलेट है वो असाइन या डिज़ाइन कर सकते हैं, राइट। सिमिलरली इसमें अगर बात करते हैं अपकमिंग कैंपेन, कैंपेन हिस्ट्री और रजिस्टर्ड यूज़र और न्यू यूज़र को भी रजिस्टर कर सकते हैं। तो पहले अगर हम बात करते हैं कि अगर हमें कोई कैंपेन भेजना है या कोई मैसेज भेजना है किसी को, तो कैसे भेज सकते हैं आप? यहाँ पे नंबर्स जो भी हैं, नंबर कॉपी पेस्ट कर सकते हैं इसमें, राइट। सो नंबर कॉपी पेस्ट करेंगे, नंबर कॉपी पेस्ट करने के बाद अपने कैंपेन का नाम एंटर कर दीजिए और मैसेज टाइप कर दीजिए। तो अभी हम एक एंट्री करके देखते हैं। सो सपोज मेरे पास यहाँ पे कुछ डेटा है, तो बेसिकली मैं वो नंबर्स ले लेता हूँ, तो मैं आपको एक बार दिखा पाऊंगा कि किस तरह ये वर्क करेगा। सो बेसिकली मैंने नंबर कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट कर दिए, राइट। हम अब ले लेते सपोज मैग सेफ, राइट। अब मुझे कोई कंटेंट जो है वो मैं यहाँ पे टाइप भी कर सकता हूँ, और मुझे लगता है कॉपी पेस्ट करना तो मैं कॉपी पेस्ट भी कर सकता हूँ। तो बेसिकली अभी जस्ट मैंने एक ट्रायल किया हुआ है, उसमें काफ़ी अच्छा कंटेंट था, मैं वही कंटेंट ले लेता हूँ सो दैट कि एक बार हम इस पर ट्रायल करके देख लेंगे। सो जस्ट सेकेंड। सो सपोज हमने ये एक मैसेज भेजा था और हम इसमें से सेम ये कंटेंट एक बार कॉपी कर लेते हैं। सो बाइज हमने एक कैंपेन कॉपी कर लिया। ओके जस्ट सेकेंड, यस। सो बेसिकली हमने जो कंटेंट था वो कॉपी कर लिया एंड जस्ट मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अगर मुझे इसमें कुछ चेंजेस करने हैं मैं चेंजेस भी कर सकता हूँ, राइट। सो सपोज मुझे ये स्पेस एक्स्ट्रा है ये मुझे हटाना है या ऐड करना है वो भी मैं कर सकता हूँ। मुझे कुछ बोल्ड करना है या कुछ इटैलिक करना है वो पार्ट भी मेरे अंडर ही आता है, मैं यहाँ पे इजीली उसको कर सकता हूँ। सपोज मैं मुझे ये जो मैगसेफ है मुझे ये बोल्ड में भेजना है, तो मैं इस तरह के सिंटेक्स जो होते हैं व्हाट्सएप के यूज़ कर सकता हूँ। सो गाइज, ये बेसिकली ओवरऑल हमारा डेटा हो गया, लाइक हम कुछ पार्ट है जो उसको बोल्ड कर लेते हैं, राइट। तो ये हमारा इस तरह ये डेटा हमने डन कर दिया। अब बात करते हैं नीचे इमेज अपलोडेशन की। तो इसमें हम मल्टीपल्स में फाइव इमेजेस, अप टू फाइव इमेजेस हम इसमें सेंड कर सकते हैं। तो मैं जस्ट जो फाइव इमेजेस हैं मैं रिलेटेड टू द प्रोडक्ट की ही बात करूँगा। तो अभी मेरे पास इस प्रोडक्ट की सपोज पाँच इमेजेस हैं, तो मैं वो पाँच इमेजेस ले लेता हूँ, दिस वन। सो सपोज मैंने ये कुछ इमेजेस सेलेक्ट कर लिए एंड ओपन। सो बेसिकली ये पांच इमेजेस मेरी अपलोड हो गई हैं। अगर मुझे ये इमेजेस में अभी आप देख पा रहे हैं मैंने जो मैसेज कंटेंट किया है, मैं इसमें सब कुछ मेरा रेडी है, जस्ट मैं अब इसमें अगर मैं चाहूँ तो इसको मैं एज अ शेड्यूलिंग में भी डिफाइन कर सकता हूँ। सपोज मैंने शेड्यूलिंग में इसको एंटर किया 17th को, ये मेरा ऑटोमेटिकली सपोज सुबह 10 बजे चला जाए ये मैसेज, तो मेरा सुबह 10 बजे का डिफाइन हो गया, मैंने इसको सेंड लेटर पर स्टोर करा दिया। जैसे ही सेंड लेटर पर मैं इसको स्टोर कराऊंगा तो मेरी ये जो बेसिकली शेड्यूलिंग है ये कंप्लीट हो जाएगी एंड मुझे ये सारा का सारा डेटा बेसिकली अपकमिंग कैंपेन्स में दिखेगा। और मैं एक बार आपको अपकमिंग कैंपेन्स में ले जाके दिखाऊंगा कि सारे के सारे हमारी कंप्लीशन आ गया है। सो बेसिकली मैंने क्लिक किया अपकमिंग कैंपेन्स में और आप यहाँ पर देख पाएंगे कि मेरी इन फ्यूचर में मैंने या मेरे अदर यूज़र ने, जैसे कि आप देख पाएंगे सेंड यूज़र, इसमें हम क्या क्या डेटा दिखा रहे हैं, किस टाइम स्टैम्प में कैंपेन किया गया है, कैंपेन का नाम क्या है, कितने कॉन्टैक्ट नंबर्स पे मैसेज जाएगा, उसमें इमेज क्या रहेगी। अगर आपको इमेज ओपन करके देखनी है जस्ट आपको वहाँ पे क्लिक करना है तो जो भी इमेजेस अटैचमेंट भेज रहे हैं वहाँ पे आपको दिख जाएगी, राइट। तो अगर हम आगे देखते हैं इसमें, सपोज हमारे पास ये एक सेकेंड कैंपेन है जिसमें हमने दो इमेजेस डिफाइन की है एंड द लास्ट वन इज दिस जिसमें हमने अबाउट अबाउट पाँच इमेजेस डिफाइन की हुई हैं और ये इस नंबर पर मैसेज ही जाएगा। एडमिन के थ्रू असाइन किया हुआ कैंपेन है
17 जुलाई को सुबह 10 बजे ऑटोमेटिकली शूट हो जाएगा। तो इस तरह आप ये अपनी शेड्यूलिंग भी कर सकते हैं फॉर फ्यूचर। वहीं अगर हम बात करते हैं कि सपोज सही सेम मुझे जो कैंपेन है वो आज भी भेजना है, आज के लिए भी बेसिकली डिफाइन करना है और इन फ्यूचर के लिए भी, तो मैं जस्ट यहाँ पे एडिट पे क्लिक करूँगा और आप देखेंगे मेरा सारा डाटा प्रीफिल्ड हो गया है यहाँ पे। राइट, अब जस्ट मुझे यहाँ पे अपनी इमेजेस फिर से सिलेक्ट करनी है। यस, सो मैंने अपनी इमेजेस फिर से सिलेक्ट कर ली, 2, 3, 4 एंड दिस वन इज 5 एंड अपलोड। सो ये मेरी 5 इमेजेस अपलोड हो गई हैं एंड जस्ट मैं इस पे सेंड नाउ पे प्रेस कर देता हूँ तो आप देखेंगे बैकएंड में कोड एग्जीक्यूट होना शुरू हो गया है और इन पे जो हमने 5 या 6 नंबर डिफाइन किए हुए हैं उन पे ऑटोमेटिकली सब पे मैसेजेस भेज देगा। मैसेज भेज देगा तो यहाँ पे आपको ऑटोमेटिकली नोटिफिकेशन आ जाएगा दैट द मैसेज हैज़ बीन सेंड और इन प्रोसेस। सो देखिए प्रोसेसिंग योर रिक्वेस्ट। राइट, तो 5 नंबर पर जा रहे हैं तो बेसिकली 5 5 इमेजेस जाएंगी 5ों नंबर पर, तो मैं भी वो भी आपको दिखाऊंगा कि कैसा प्रोसेस होगा। तो हम चलते हैं एक बार व्हाट्सएप पे एंड लेट्स सी किस तरह का मैसेज शूट हो रहा है। तो आप यहाँ पे देख पाएंगे बेसिकली जो भी मैसेज शूट होगा वो हमें यहाँ पे मेरे मैसेज लिस्ट में आपको या मेरे व्हाट्सएप पे आपको यहाँ पे दिखेगा किस नंबर से मैसेज जा रहा है, क्योंकि मैंने यही अपना नंबर ही कनेक्ट किया हुआ है एपीआई के साथ। राइट गाइस, तो अभी आप देख पाएंगे ये पहला नंबर है। राइट, जैसे कि आपने देखा ये पहले नंबर पे मैसेज चला गया हमारा, सेकंड पे जैसे ही जाएगा वो सेकंड नंबर भी हमारा यहाँ पे आ जाएगा और वन बाय वन वो सब पे मैसेजेस सिस्टम भेज देगा। तो अगर मैं अभी बात करता हूँ आपके कॉन्सेप्ट में, तो जैसे कि आपने देखा ये एक मैसेज चला गया दूसरे यूज़र पे। राइट, ये दूसरा क्लाइंट है, दूसरे क्लाइंट को मैसेज चला गया। सिमिलरली वन बाय वन ये सभी को मैसेज भेज देगा। तो एक इमेज तो हमारा कैप्शन, एक इमेज के साथ हमारा कैप्शन कंटेंट जाएगा एंड रेस्ट अदर 4 इमेजेस हैं वो नीचे जाएंगी जैसे आप देख पा रहे हैं। राइट, तो ये हमारी इस तरह इमेजेस चली गई हैं। अब सिमिलरली हम बात करते हैं बैक एंड में चलते हैं जहाँ से हमने ये कोड को एग्जीक्यूट किया, दिस वन इज अ कोड एग्जीक्यूटेड कोड। तो आप देखेंगे सब पे मैसेज जा चुके हैं। राइट, अभी हम चलते हैं एक बार कैंपेन हिस्ट्री में एंड लेट्स सी कि लास्ट क्या मैसेज हमने भेजा। सो अगर मैं हमें बात करता हूँ मैग सेफ की, जो हमने मैसेज भेजा है, तो आप देख पाएंगे मैग सेफ में हमारे पास इतना कंटेंट है जो हमने भेजा हुआ है। यहाँ पे आपको डेट एंड टाइम के साथ मिल जाएगा कि बेसिकली कब भेजा हुआ है। तो जस्ट अभी हमने जो भेजा था उसमें हमारा टाइम आएगा 15। राइट, तो आप देखेंगे सबसे लास्ट में हमारा ये मैसेज है, इसमें हमने 5 कंटेंट बेसिकली 5 इमेजेस भेजी हैं। राइट, तो यहाँ पे आप हिस्ट्री में प्रॉपरली चेक कर पाएंगे किस डेट में क्या हमने कैंपेन बनाया था और क्या सेंड हुआ था। अब वहीं अगर हम बात करते हैं अपकमिंग हिस्ट्री की, तो आपने देखा जिस तरह हमने मैसेज सेंड कर दिया बट अपकमिंग हिस्ट्री में अभी भी हमारे पास वो कंटेंट डिफाइंड है क्योंकि हमने उसकी प्लानिंग ले रखी है। राइट, तो अगर मैं बात करता हूँ इसी केस में, लाइक ये जो आर्टिकल है प्लानिंग ले रखी है हमने 17/7/10:06 की, अगर आपको लगता है कि ये सेम लाइक जो कैंपेन है वो अब रन नहीं होगा तो इसको आप यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। तो 17/7 को यानी 17 जुलाई को जो हमने कैंपेन डिफाइन किया हुआ है वो अब एग्जीक्यूट नहीं होगा। सो गाइज, आपने देखा किस तरह आप बेसिकली कैंपेन बना भी सकते हैं, उस कैंपेन की शेड्यूलिंग भी कर सकते हैं फॉर फ्यूचर। और वहीं अगर हम बात करते हैं कि हिस्ट्री में जाकर अगर आपका कोई पुराना कैंपेन है, आप कहते हैं मुझे वो कैंपेन भी रन करना है, तो आप इजीली उसी कैंपेन पे बेसिकली कैसे जस्ट क्लिक ऑन एडिट पे क्लिक करेंगे सारा डेटा प्रीफिल्ड हो जाएगा। राइट, एंड जस्ट आप इसको सेंड कर देंगे। तो अगर मैं बात करता हूँ अभी, तो आपके सामने यहाँ पे जस्ट एक नंबर है। राइट, मैं सिमिलरली इसमें एक इमेज अपलोड कर देता हूँ, लेट्स सी। हम अभी रैंडमली कोई भी एक इमेज ले लेते हैं सो दैट कि मैं आपको दिखा पाऊँ ये कैसे एक्ट करेगा। जस्ट अ सेकेंड। मेरे पास बेसिकली वो नाम नहीं आ रहा बट कोई बात नहीं, हम कोई दूसरा आर्टिकल ले लेते हैं सो दैट कि हम रेफरेंस ले पाएंगे कि कैसे ये एक्ट कर रहा है। सो अभी के केस में हम एक आर्टिकल सपोज ये ले लेते हैं एंड जस्ट सबमिटेड इट और हम उसको कर देंगे सेंड नाउ। तो आप देखेंगे बेसिकली अभी जस्ट एक ही नंबर है तो उस एक नंबर पे ये वाला मैसेज फिर से चला जाएगा और आप देख पाएंगे जो हमने बेसिकली ये आर्टिकल का जो कैंपेन नेम रखा हुआ है न्यू प्रोडक्ट, जितने बार भी हम भेजेंगे वो ऑटोमेटिकली हर बार एक नई डेट लेता रहेगा सो दैट कि आप ये ट्रैक कर पाएँ कि कोई अगर एक कैंपेन हमने बनाया था तो वो कैंपेन कितनी बार भेजा गया या कितनी बार एग्जीक्यूट किया गया।
तो यहाँ पे किसी भी एक कैंपेन को जो आपने डिफाइन किया हुआ है उसको आप मल्टीपल टाइम्स भी भेज सकते हैं, राइट। सिमिलरली उसको आप शेड्यूल भी कर सकते हैं, शेड्यूल करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली आपके अपकमिंग कैंपेन्स में चला जाएगा। गाइस अब बात करते हैं एक बार हम रजिस्टर यूजर्स के बारे में। सो बेसिकली ये कुछ इस तरह एक्ट करता है कि अभी केस में अगर आप देख पा रहे हैं तीन यूजर्स बने हुए हैं, सो दैट कि तीन डिफरेंट यूजर अपने अपने लैपटॉप से डेस्कटॉप से इसको एक्सेस कर पाएंगे एंड अकॉर्डिंगली इसको मैसेज भेज पाएंगे, राइट। सो वहीं अगर हम इस केसेस में बात करें कि लाइक कोई यूजर ऐसा है या आप कोई कंपनी ऐसी है जो मल्टीपल एपीआईज यूज करती है, तो आप मल्टीपल एपीआईज भी इसमें असाइन कर सकते हैं। तो जिस भी यूजर को मैं एक एग्जांपल लेके देता हूँ, लाइक मेरा नाम सपोज मैंने डिफाइन किया राहुल, राइट। यूजर आईडी मैंने कर दिया राहुल 123, पासवर्ड कुछ भी ले लेते हैं चलिए, सॉरी। सो गाइज बेसिकली हर 10 सेकेंड में ये सिस्टम ऑटोमेटिकली आपको लॉग आउट कर देगा। जो अभी के केस में हमने इसमें सेशन लगाया हुआ वो 10 मिनट्स का सेशन है, 10 मिनट के बाद ये ऑटोमेटिकली आपको आपके डिवाइस से लॉग आउट कर देगा। बट ये चीज़ हम बढ़ा सकते हैं, दिस इज जस्ट फॉर सिक्योरिटी पर्पज, दैट्स इट। तो अगर आपको लगता है कि नहीं आपको ज़्यादा टाइम फ्रेम चाहिए, तो वो आप टाइम फ्रेम ऐड कर सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं इसको। मैं वापस लॉग इन कर लेता हूँ अब फिर से एंड मेरा सेशन एक्टिव हो गया एंड हम वापस चलते हैं इसको लेके। सपोज रजिस्टर्ड यूजर पे हम चलते हैं। सो रजिस्टर्ड यूजर में आपने देखा हम एक यूजर रजिस्टर कर रहे थे, मैंने यूजर रजिस्टर किया राहुल, यूजर आईडी हम ले लेते हैं 1234, राइट, पासवर्ड एंड एपीआई। तो जो भी एपीआई है, जो आपकी की एपीआई है, अगर आप मैसेज ऑटो सेंटर यूज करते हैं तो मैसेज ऑटो सेंटर की एपीआई डालते हैं, अगर आप हमारी एपीआई यूज करते हैं तो आप वो भी एपीआई यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। तो अभी केस में मैं जस्ट ये डाल दूंगा व्हाट्सएप एपीआई, राइट। रोल क्या रहेगा, यूजर। अगर मैं इसको एडमिन बना दूंगा तो ये बेसिकली क्या कर पाएगा, पर्सन जो रजिस्टर्ड यूजर का ऑप्शन है ये इसको मिलेगा और ये किसी भी यूजर को ऐड कर सकता है और किसी भी यूजर को रिमूव कर सकता है। तो अभी केस में मैंने एक एज अ रजिस्टर कर दिया, ये रजिस्टर्ड हो गया, राइट। मैंने वापस रजिस्टर्ड यूजर पर क्लिक किया तो आप देख पाएंगे जो मैंने जस्ट अभी एक यूजर रजिस्टर किया था उसका डेटा हमारे यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाएगा। सो गाइस आपने देखा फोर्थ जो हमने राहुल को यूजर बनाया था वो हमारा ऑटोमेटिकली यहाँ पे अपडेट हो गया। अगर आप चाहते हैं इसको डिलीट करना है किसी भी यूजर को, तो आप इसको यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं। सो मैंने बेसिकली डिलीट कर दिया यूजर एंड आप देख पाएंगे अभी हमारे पास वापस तीन ही हो गए हैं। सो गाइज ये था ओवरऑल कॉन्सेप्ट जिसमें आप कोई भी कैंपेन व्हाट्सएप पे जनरेट कर सकते हैं, ठीक है, इंस्टेंटली रन भी कर सकते हैं, अपने यूजर जनरेट कर सकते हैं और यूजर के अकॉर्डिंग ये एक्ट भी करेगा। गाइज वहीं मैं एक बार बात करता हूँ आपको कि अभी आपने देखा बींगा एडमिन मैंने लॉग इन किया था तो मुझे क्या क्या ऑप्शन दिख रहे हैं, वहाँ अगर मैं अगर लॉग आउट करके आपको दिखाता हूँ कि अगर बींगा यूजर में एडमिन लॉग इन करता हूँ तो मुझे क्या क्या राइट्स दिखेंगे। एंड द सेकेंड थिंग, इसका जो डेटा बेस है वो गूगल शीट ही रहेगा। सो बेसिकली जितने भी कैंपेन्स आप रन कर रहे हैं या जो भी क्लाइंट जिनके मोबाइल नंबर्स आपके पास हैं वो आपके डोमेन में ही सेव रहेंगे। तो अगर मैं अभी केस में बात करता हूँ कि मैं लॉग इन कर रहा हूँ अपने एक यूज़र के थ्रू, सो लेट्स सी इस यूज़र को क्या दिखता है या बींग अ यूजर इसके पास क्या क्या राइट्स हैं, क्या क्या ये एक्सेस कर सकता है। सो ये हमने लॉग इन कर लिया तो आप देख पाएंगे वेलकम पंकज। तो बेसिकली मैंने जब लॉग इन किया था बींग अ एडमिन तो मुझे यहाँ पे एक यूजर रजिस्टर्ड यूजर का ऑप्शन दिख रहा था, बट अभी मैं अगर पंकज की बात करता हूँ तो यहाँ पे जस्ट पंकज क्या कर सकते हैं, कैंपेन को एक नया कैंपेन अपकमिंग कैंपेन असाइन कर सकते हैं यानी शेड्यूलिंग कर सकते हैं और कैंपेन हिस्ट्री देख सकते हैं। बट अगर मैं कैंपेन अपकमिंग कैंपेन की बात कर रहा हूँ तो पंकज को सिर्फ वही कैंपेन दिखेगा जो उन्होंने डिजाइन किया हुआ है, इसके अलावा किसी दूसरे थर्ड यूजर ने अगर कोई कैंपेन बनाया हुआ तो वो उनको नहीं दिखेगा। सो ये बेसिकली यूजर रिस्ट्रिक्टेड है। सो बेसिकली जो भी यूजर कैंपेन बनाएगा वो जस्ट अपने ही कैंपेन देख सकता है। सिमिलरली कैंपेन हिस्ट्री की बात करते हैं तो कैंपेन हिस्ट्री में यूजर 123 ने जो कैंपेन्स बनाए हुए हैं वही दिखेंगे उसको, इसके अलावा कुछ भी नहीं दिखेगा। अपने उस कैंपेन को फिर से भेज सकता है, रिशेड्यूलिंग भी कर सकता है। वहीं अगर हम बात करते हैं अपकमिंग कैंपेन की, कोई भी कैंपेन ऐसा है जो आपने अपकमिंग में डिफाइन किया हुआ है, जैसे वो यहाँ से लाइक उसकी डेट निकल जाएगी वो सिस्टम ऑटोमेटिकली उस डिफाइंड डेट में मैसेज भेज देगा सभी नंबर्स पे जो नंबर आपने डिफाइन किए हुए हैं। इसके अलावा जो भी कैंपेन ऐसा है जिसकी डेट निकल चुकी है यानी जो सेंड हो गया है वो अपकमिंग की लिस्ट से, आपकी इस अपकमिंग की लिस्ट से ऑटोमेटिकली हट जाएगा। सो बेसिकली अपकमिंग कैंपेन इज ओनली स्टैंड फॉर वो कैंपेन्स जो इन फ्यूचर में या अपकमिंग हैं जो आने वाले हैं। वहीं हम बात कर लेते हैं एक बार फिर से कि लाइक अगर मुझे एक और मैसेज शूट करना है तो हम भी अभी एक एग्जिस्टिंग नंबर ले लेते हैं। सो सपोज मैंने एक नंबर ये लाइक ये वाला हम मैसेज ले लेते हैं एलिगेंस वाला, व्हेन आई क्लिक ऑन दैट एडिट बटन, राइट गाइज, तो आप देखेंगे सारा डाटा प्री फिल्ड होकर मेरा आ गया एंड जस्ट मुझे अभी इमेज अपलोड करना है, राइट।
सो अगर मैं यहाँ पे कोई एक रैंडम इमेज ले लेता हूँ जो रिलेटेड प्रोडक्ट से और जो कैप्शन या कंटेंट हमने डिफाइन किया हुआ है उससे रिलेट करे, तो सपोज हमने एक ये जस्ट अ सेकेंड, यस, सो बेसिकली हमने ये एक इमेज ले लिया, राइट, ये हमने एक इमेज अपलोड कर दिया। मैं शेड्यूलिंग भी कर सकता हूँ और इंस्टेंटली सेंड भी कर सकता हूँ। सो बेसिकली ये हिस्ट्री है एंड आई वॉन्ट कि सपोज ये मैसेज मैंने कल भेजा था ना, मैं एक बार फिर से भेजना चाहता हूँ क्योंकि मैं बेसिकली प्रोडक्ट को पुश कर रहा हूँ रीच लेने के लिए। सो मैंने सेंड नाउ पे क्लिक किया तो आप देख पाएंगे सब पर मैसेज फिर से चला जाएगा, राइट, प्रोसेसिंग दिखाने लगेगा, सब पर मैसेज चला जाएगा, कंप्लीट होते ही आपको यहाँ पर दिखा देगा दैट मैसेज हैज़ बीन कम्प्लीटली सेंड। प्रोसेसिंग शुरू हो गई, राइट, मैसेज ये भेज रहा है सर्वर पर। हम चलते हैं डायरेक्टली अपने व्हाट्सएप वाले नंबर पर जिसमें हम देख पाएंगे किस किस को मैसेजेस जा रहे हैं। सो एज यू कैन सी मैंने जो नंबर्स डिफाइन किया, सपोज मैंने ये नंबर डिफाइन किया है, सो बेसिकली ये पुराना मैसेज है। एंड मैं अगर हिमांशी पे क्लिक करता हूँ या जस्ट अभी जो लेटेस्ट नंबर गया है, आप देख पाएंगे ग्लैम डिवा करके एक ये मैसेज चला गया इमेजेस के साथ एंड ऑलरेडी सबको मैसेजेस जा रहे हैं। वहीं अगर गाइस हम बात करते हैं, आपने देखा ऊपर मैंने कंटेंट भेजा था उसका मैसेज कुछ इस तरह गया, राइट, उसके बाद ग्लैम डीवा का इस तरह गया है। ये तो हो गया बेसिकली सिंगल इमेजेस के साथ। अगर उसी केस में हम बात करते हैं मल्टीपल इमेजेस हैं तो सिस्टम कैसे मैसेज भेजेगा। सिमिलरली एज यू कैन सी हियर, एक इमेज कैप्शन में है, एक इमेज का डेटा कैप्शन में एंड रेस्ट नीचे आपके पास सारी वो इमेजेस हैं जो बेसिकली उसके रेफरेंस में आपने मल्टीपल इमेजेस अटैच की हुई हैं। सो गाइज आई होप लाइक यू लाइक द कॉन्सेप्ट। दिस वीडियो विल हेल्प यू आउट टू सेंड आ मल्टीपल इमेजेस और मल्टीपल मैसेजेस अगर आपके पास डेटा है जिसमें आप अपने क्लाइंट को, एग्जिस्टिंग क्लाइंट को रीच करना चाहते हैं, अपने ऑफर्स के बारे में प्री नोटिफिकेशन देना चाहते हैं, तो दिस सिस्टम विल डेफिनेटली हेल्प यू आउट टू रीच दैम। आई होप गाइज यू लाइक द कॉन्सेप्ट, आई होप यू लाइक द वीडियो। इफ यू लाइक प्लीज सब्सक्राइब द यूट्यूब चैनल एज वेल। थैंक यू सो मच, थैंक यू, बाय।